लेडीज एंड जेंटलमैन, वायरल होने के लिए और ज्यादा व्यूज लाने के लिए गर्लफ्रेंड या बीवी का होना बहुत जरूरी है। देखते हैं अगर सुनते गानों को लिए सलाम का, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आप करें लाइक और सब्सक्राइब, बाकी बातें होंगी बाद में। दे शर्मो, शर्म करो, शर्म। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम माई रूम और बहुत दिन हो गए मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। माशाल्लाह मैं ब्लू जीन्स, डार्क ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा हूँ, आपको मैं बता नहीं सकता। बाकी नूर आएगा इंशाल्लाह, ईद पे आएगा, पूरे रमज़ान की रौनक ईद पे आएगी। वैसे तो पूरे रोज़े ठीक ठाक गुजर गए हैं, लेकिन बाहर निकला हूँ और अंधी अंधी धूप है बाहर, फुल ज़ोरों शोर वाली धूप नहीं है, लाइट लाइट धूप है। और सामने आपको निमो डार्लिंग नज़र आ रही होगी, उसके पीछे है उसका मियाँ यानी कि उसका खसम शहजादा। बात कुछ इस तरह की है कि सुबह से नेट हमारा जो है ना बड़ा हुआ है, बिल्कुल टाइम गुजर नहीं रहा, तो मैंने सोचा ज़रा बाहर के जाके हालात हुआ क्या देखें कि क्या सीन है। और उसके अलावा सीन ये है कि निमो का तो पीछे उसका हस्बैंड है यार, मेरी सिंगल लाइफ है फुल, और मैं इधर आगे पीछे देखता हूँ, मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। जितने डबल लोग हैं, मैरिड लोग हैं या जिनके सीन्स चल रहे हैं यार, वो वायरल हो रहे हैं या छोटे छोटे बच्चे वायरल हो रहे हैं, मैं क्यों वायरल नहीं हो रहा, इतनी देर हो गई है। आप लोग क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते और लाइक करते और कमेंट्स क्यों नहीं करते आप लोग? क्या मसला, क्या तकलीफ़ क्या आपको टिकटॉक पे लोगों के पांव देख के लाइक करने वालों? बाहर का भी माहौल कुछ इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, इसलिए फिर मैं वापस अपने रूम में आ चुका हूँ। यार आज फुल जो है ना रुखा रुखा सा मौसम है और रुकी रुकी सी हवाएं हैं, रुकी रुकी सी फिजाएं हैं। तो खबर ये है कि यार मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ है वो यार जिसके साथ मैंने वो क्या कहते हैं वो मूवी में कहता था सपना के साथ गाना गाना है, कहाँ है वो जिसके साथ मैंने गाना गाना है, क्यों नहीं नज़र आ रही, कहाँ हो तुम? तुम्हारे साथ मैंने व्लॉग बनाने थे, नॉर्दर्न एरियाज घूमना था मैं, और तुमने ना कसम से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और अब दिन ब दिन हालात इतने टाइट हो गए हैं और तुम नज़र नहीं आ रही। तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं है लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ? सॉरी, मुझे फूलों से एलर्जी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वायरल होने के लिए आपको किसी स्वीट हार्ट की, किसी खूबसूरत की, किसी लड़की की जरूरत पड़ती है? थंबनेल पे पड़ती है, वीडियोस में पड़ती है और पड़ती जरूर पड़ती है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ना वैसे मैं मतलब किसी चीज़ को सर्च कर रहा था तो मेरी नज़र गुजरी, उस पर लिखा हुआ था मेरी बेगम ने मेरी ना मीठी मीठी बेइज्जती कर दी, तो उसके नीचे व्यूज़ मैंने देखे बहुत ज़्यादा थे। उसके अलावा ये था कि आज मैंने ये कर दिया, आज बेगम को ये शॉपिंग करवा दी, आज बेगम को वो शॉपिंग करवा दी। यार मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, सिंगल लोग कहाँ पे जाएं? या तो बच्चे वायरल हो रहे हैं या शादीशुदा लोग वायरल हो रहे हैं, और उस वायरल होने से अच्छा है बंदा कि बंदा ना ही वायरल हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैसे तो अभी तक मेरे पास फुल सीट खाली है, देखे मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है एक सिस्टम चलता है, लेकिन अभी तक मेरी जी कोई नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होना शैतान खुलेगा, सबसे पहले ना मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाऊँ, उसको व्लॉग्स में लेके आऊँ, उसके साथ ना मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, घूमना शुरू कर दूँ, और फिर उसके बाद व्यूज़ ही व्यूज़ होंगे, उसके बाद सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर होंगे। मुझे लगता है कि मुझे किसी को ना लेके आना पड़ेगा लाइफ में। मैं चाहता था कि बिल्कुल शरीफों वाली सिंपल लाइफ आपको दिखाऊँ, देसी लाइफ, विलेज लाइफ, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि मेरी लाइफ ना सिंपल रहे और क्या कहते हैं बगैर किसी को लड़की लाए मैं वायरल हूँ। तो अब मैं ना किसी को लेके आऊँगा बहुत जल्द, और मैं अभी बस रमज़ान जैसे ख़त्म होता है तो पहली एफर्ट मेरी यही है कि मैं किसी के साथ ना कुंडी डाल दूँ, मेरा मतलब है तंद डाल दूँ, और फिर जो है ना बस फिर उसके बाद पंगड़े ही पंगड़े होंगे, और फिर हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, घूमें, इस्लामाबाद पूरा एक्सप्लोर करने, बहुत सी जगह देखनी है मेरी। और मैंने ना इसलिए आपको वार्निंग दे दी है अभी। हम ठीक है, ठीक कहा, कोशिश तो मैंने बहुत की है, बहुत अच्छे से कोशिश की है, और कुछ व्लॉग मेरे ऐसे तो मैंने बहुत दिल और जान से भी बनाए थे, लेकिन आप लोगों ने ना बिल्कुल कोई रिस्पांस अच्छा नहीं दिया मुझे, तो इसलिए अब मैंने फिर ये डिसीजन ले लिया है। और इस सारे गुनाह का जो है, जितने भी गुनाह होंगे ना ये वाले और किसी नामहरम के साथ वीडियोज़ बनाने वाले और जो आप देखेंगे वो सारे आपके सारे हैं, क्योंकि पिछले रमज़ान को मैंने एक बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था रमज़ान से दो दिन पहले वाला अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों से मुझे याद आया आसिम के साथ मेरी नाराज़गी चल रही है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियो में, यानी जो परदेसी है उसके साथ मेरे मामलात बिल्कुल डेड हुए हुए हैं, ख़त्म, कोई कॉल पे रबते नहीं, कोई कुछ नहीं। और नजफ शाह जी तो हमारे रिलेटिव भी हैं, उनसे तो चले हेलो आए होती रहती है,
लेकिन जो हमारा सीन था ना, वो मतलब जो हमारा घूमना फिरना सारे मामला थे वो हो गए एंड। मैं चाहता हूँ वैसे भी एंड हो गए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लाइफ में यार कोई सनफे नाजुक आए मेरी लाइफ में, कोई खूबसूरत सी लड़की हो जिसके साथ मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ, दुनिया देखूँ मैं, और सरसों के खेत में गाने शाने गाऊँ। यार अब हमारा भी दिल करता है, हम इंसान हैं, लोगों को देख देख के ना बाज़ औक़ात आप लोग वैसे होते नहीं हैं, लेकिन जब आप दुनिया को देखते हैं ना तो फिर आपका दिल करता है कि आप भी वैसे ही हो जाएं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा दीन की बातें कर रहा हूँ, बल्कि रियल लाइफ में देखो ना तो वो टोटल उसके ऑपोजिटिव होते हैं, मतलब रोने का बता रहे होते हैं, सिंपल लाइफ में बता रहे होते हैं, और घूम किस में रहे होते हैं, जितने मौलवी बड़े बड़े उलमा है सब लैंड क्रूजर में, लेजेंडरियों में, और V8s में घूम रहे होते हैं, खुद आपको क्या किस चीज़ का दर्श दे रहे होते हैं, सादगी का। शायरों को देख लें, दुखी दुखी शायरी करते हैं, लेकिन इंस्टेड उसके अलावा साथ साथ उनकी 5-5, 6-6 गर्लफ्रेंड्स होती हैं। पिछले दिनों एक शायर का मैं नाम नहीं लेता, तो उनकी किसी ने ना वीडियो बना ली, होटल में किसी के साथ बैठे हुए गपशप लगा रहे थे बड़े रोमांटिक माहौल में, एक उन्होंने खुद भी रिवील की थी, पहले किसी के साथ ना बोट चला रहे थे, तो बाद में किसी ने उनकी वीडियो रिवील कर दी, और साथ लिखा हुआ था कि ये हमें दुखी शायरी सुना सुना के रोने का कहते हैं, और खुद देखे मसूफ होटल में लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह उलमा का भी मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको सिंपल लाइफ का दर्श देंगे, लेकिन उनकी लाइफ जो है ना खुद चिल हो गए, फुल बड़े बड़े घर और 5-6 लैंड क्रूजरे आगे पीछे और एक मामलात। इसी तरह पीर जो बने हुए हैं आजकल, अब मेरे पीछे दुनिया पड़ती है तो पड़ती रहे, बात करूंगा मैं हक और सच की, ये जितने पीर वगैरह बने हुए हैं इनकी आप देख रहे लाइफ छुप 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 कर रहे होंगे, आगे पीछे 8-8, 10-10 गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, और अवाम की जो उनके मरीद हैं उनके पैसों पर जो है याशियाँ कर रही होती हैं। हम भी सही हैं, बिलोंग करते हैं हम भी, हमारे पास भी दम वगैरह है, लेकिन हमने कभी किसी से नहीं कहा देखें शेखें पकाओ और ये शुभ शफ ये बोले काम करो, ये अल्लाह की कलाम पढ़ के फूक मार देते हैं और शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन मुझे लगता है अब इससे बेहतर बिजनेस कोई है नहीं, अगर मैं ना यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही इस फील्ड में आ जाता और दम द्रूद वाली फील्ड में, तो इस टाइम मेरे मैं कहता हूँ कि अंबानी को मैं क्रॉस कर चुका होता। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अब इस मजाही बात से मुझे एक सीरियस बात भी याद आई है, और इस पे प्रॉपर मैं एक व्लॉग भी बनाऊंगा। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना हम लोग फिलिस्तीन के बारे में बोले, कौन लोग, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट इस चीज पे एक्शन नहीं ले रही, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह और उनकी फ्रेंचाइज वगैरह जितनी भी हैं पाकिस्तान में, ये चीजें यहाँ से गायब होनी चाहिए थी मिनटों में, लेकिन नहीं हो रही। मैं और आप जो अपने लेवल पे हम थोड़ी बहुत एफर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं कर रहा। उसके अलावा ना ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स पहले पहले देखता होता था, उठो भागो दुश्मनों का मजा ही, जिंदगी का मजा ही तब है जब आप दुश्मन के टेबल पे बैठ के उसके सामने खाने खा रहे हो, और ये वो इस तरह की बातें करने वाले सारे बिल में घुसे हुए हैं। मैंने कोई खास वीडियो ऐसी नहीं देखी किसी ने फलस्तीन के बारे में बनाई हो, स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर और ये बड़े बड़े बाजू ऐसे पीछे की तरफ करके और टांग के ऊपर टांग रख के ना दीन की बातें, मज़हब की बातें करने वालों के मुंह से मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई फ़लस्तीन के लिए स्पेशल ऑफर की हो। फ़लस्तीन की बात आएगी बाद में, पहले तो कश्मीर जो है वो क्या कहते हैं उसके उसका मसला हल कर लें, फिर आप लोग एक्सपेक्ट करना कि हमारी गवर्नमेंट या हम लोग उनका मसला जाके हल करेंगे या उनके लिए कुछ करेंगे। और तीसरी बात यह कि सबसे पहले हम अपने मुल्क में कोई हक और सच की बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से ही हम महफूज नहीं हैं, तो बाकी बाहर दूसरे मुल्क की बातें आप बाद में करना। आप लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक है ये कि आप लोग ना अपने आप से हम सब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके हक में आवाज़ उठाएं और उन्हें फ्री करवाएं। भाई कैसे फ्री कराएंगे जब हम अपनी आवाम से अपने लोगों के हाथों से महफूज नहीं हैं, हम थोड़ी सी सच और हक की बातें करते हैं तो आपकी हो जाती है छुट्टी। ये देखो ये मिले जुले जज्बात ना, मतलब पाकिस्तान में ना जो हम नज़र आ रहे होते हैं हम लोग सब ना, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट, हिपोक्रेसी यानी कि मुनाफ़त बहुत ज़्यादा है। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिए ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं, बाकी दिल पे ना लेना आप सब लोग ना, हम लोग भी बस सोशल मीडिया वॉरियर हैं, और प्रैक्टिकली ना जो अमल होता है ना ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होता है वो कहीं नहीं है, और मदरसों में अलहदा बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली की ये वारदातें हैं और डेली की बातें हैं ये, और इससे हमारी जान नहीं छूट सकती। बिसाइड्स इंटरटेनमेंट व्लॉग मुझे जो फील होता है, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, जो मुझे लगता है वो मैं आपसे लाजमी शेयर करता हूँ। अब दिन को मैं मतलब बेगम तो मेरी है नहीं, वही फिर वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, बेगम तो मेरी है नहीं, मैं उसको दिखाऊंगा, अगर हो भी की तो उसकी वीडियोज़ मैं कभी भी नहीं आपको दिखाऊंगा, तो एक बात। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं उसे,
बस इन्हीं को उछल कूद में ही लगा रहता है, लेकिन मुझे जहां जहां मौका मिलता है मैं आपको करंट अफेयर से, करंट सिचुएशन से जरूर अवेयर करता हूं। लेकिन आप लोग ना बहुत हाई एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, हमारे मुल्क से। हम एक्सपेक्टेशंस वाले बिल्कुल हालात में नहीं है, समझ लें हम हैंड टू माउथ हैं। जो हमारे निज़ाम चल रहे हैं ना आपसी, और जो हमारे खुद के जो अवाम का आटा रोटी दाल पूरी हो जाए, यही बहुत है। तो बाकी आगे की बातें दूर की बाद में सोचना। हाँ, ये अच्छी बात है एफर्ट कि आप उन प्रोडक्ट से, इसराइली मजदूदों वाला उनके प्रोडक्ट से बाइकाट कर रहे हैं, ये थोड़ी सी अच्छी बात है जो लोकल लेवल पर आप लोग सब लोग कर रहे हैं। ओ बहरहाल ये कुछ इस तरह के हालात हुआ क्या थे, मैंने सोचा आज आपको बता दूं कि यार मेरे पास अगर गर्लफ्रेंड या बेगम नहीं है या इस तरह के मामलात नहीं हैं, तो फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, मान लेता हूँ मैं, अगर आपकी डिमांड है तो फिर मैं कुछ सीन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये कर लो पहले। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करने वाला हूँ, और इसके बाद ये मैंने ना डिस्क्लेम कर दिया, इसके बाद मुझे किसी ने कहा ना ये कैसी हरकतें कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो फिर वो अपना जिम्मेदार खुद ही होगा। तो लिहाजा आज का व्लॉग मैं एंड करने वाला हूँ, फिर न्यू व्लॉग में मिलती है। ये मेरी आज की अंदर की ना फ्रास थी मैंने जो निकालनी थी यार, इतने टाइम हो गए, इतनी ज़्यादा वीडियो तो हो गई है, पता नहीं आप लोग क्या देखना चाहते हैं, पता तो मुझे है आप लोग क्या देखना चाहते हैं, लेकिन चलें ठीक है, थोड़ा बहुत आपको फिर मैं शशका दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़ नाउ।